यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चले रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। फरीदाबाद से एक और बड़ी खबर आपको दे रखी है, जहां 6 साल की नाबालिग के साथ रेप के मामले में रेप के आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की है। तो बड़ी खबर ये फरीदाबाद से आपको बता रखी है, रेप के आरोपी की पिटाई की गई है। भीड़ ने जमकर आरोपी को पिटा है और साथ ही पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो बड़ी खबर ये फरीदाबाद से आ रखी है, रेप के आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की है, साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक के बाद एक जिस तरह से दुष्कर्म और गैंगरेप के मामले सामने आ रहे हैं, सरकारें भी इसमें घिर रही हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप देखिए, रेप के आरोपी की जमकर पिटाई की गई है। मामले में 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने के आरोप लगे हैं। आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की, कानून हालांकि हाथ में लिया गया, वीडियो ये वायरल हुआ है। पुलिस को मामले की सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार जरूर कर लिया है। तो मामले में विपक्षी पार्टियां भी काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। पीड़ित बच्ची की हालत देखने अस्पताल पहुंची है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शारदा राठौर भी अस्पताल पहुंची है बच्ची का हालचाल जानने। साथ ही पूर्व मंत्री शिवचरण लाल शर्मा भी साथ में मौजूद हैं। तो फरीदाबाद की ये बड़ी खबर आपको बता रखी है, 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई की, वीडियो भी ये वायरल हुआ जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हालांकि गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद विपक्षी दलों के नेता बच्ची से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं, पीड़ित बच्ची और बच्ची के परिजनों से हालचाल जानने पहुंचे हैं। तो फरीदाबाद की ये खबर है, फरीदाबाद से ही ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। भीड़ ने कानून हाथ में लिया है, रेप का जो आरोपी रखा उसकी जमकर पिटाई की गई है, पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया गया है। आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है।